नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में भगवान चित्रगुप्त के प्रकटोत्सव के शुभ अवसर बैसाख शुक्ल सप्तमी दिनांक 27 अप्रैल को चित्रांश परिवार समिति रीवा ने भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव पहली बार समारोह पूर्वक मनाने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में सभी महिला एवं पुरुष यथासंभव पीले वस्त्र धारण कर शोभा यात्रा में सहभागिता शामिल होंगे। 27 को प्रातः 11 बजे तरहटी स्थित भगवान चित्रगुप्त मंदिर में सामूहिक पूजा की जाएगी तथा अपराह्न 4 बजे से मानस भवन रीवा से भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा रीवा शहर में पहली बार निकाली जाएगी। शोभा यात्रा मानस भवन से प्रारंभ होकर प्रकाश चौक, स्टैचू चौक, साई मंदिर से शिल्पी प्लाजा होते हुए वापस मानस भवन पहुँचेगी, जिसमें रीवा शहर एवं आसपास के बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग सपरिवार सहभागिता करेंगे। मानस भवन में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के प्रतिष्ठित गायकों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएगी। शोभा यात्रा समारोह के मुख्य अतिथि सुदीप कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम रीवा होंगे। भजन संध्या उपरांत भोजन प्रसाद ग्रहण होगा। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमारा जो समाज अभी बिखरा हुआ है उसको संगठित करना है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, ये तो सबको पता है। तो हम जब तक संगठित नहीं होंगे तो हम तो कहीं भी खड़े नहीं दिखेंगे, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अगर परिवार में भी अगर बिखराव होता है तो वो परिवार किसी काम का नहीं होता है, मुझे लगता है। तो हम तो अपने परिवार से ही शुरुआत करेंगे ना। जब हम घर में संगठित होते हैं तभी हर काम अच्छे होते हैं, हमारा एक समाज में दर्जा होता है। लेकिन अगर है ना, और हम बाहर भी अगर संगठन को छोड़ देंगे तो फिर तो हम वैसे भी अलग थलग हैं और अलग थलग पड़ जाएंगे। तो हम इस रैली का सबसे खास उद्देश्य तो यही है कि संगठन, जो कि हमारे काय समाज में थोड़ा सा हम लोग कमी महसूस करते हैं जिस चीज की, लेकिन इस बार ये है कि सब जो दो तीन दल बने हुए थे सब ने एक साथ आकर इस बार बहुत अच्छे से सबने बोला कि नहीं, ये जो हमारे में कमी थी इसको हम मतलब दूर करेंगे। और सबसे बड़ा उद्देश्य यही है संगठन को लेकर। आप लोगों द्वारा कितनी महिलाओं को इकट्ठा करने का बीड़ा उठाया है? अधिक से अधिक कितनी महिलाएं? हम लोगों ने पूरे रीवा समाज में जा जा के घर में घर जाके चावल दिए हैं और निमंत्रण दिए हैं। जैसे लड़की की शादी में इंसान निमंत्रण देता है, उसी प्रकार हम लोग घर घर जाके कार्ड में और निमंत्रण दिए हैं कि आप लोग सब लोग इकट्ठा होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। इसलिए अब हमको ये मालूम है कि हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी। फिर भी 500 का लक्ष्य तो हम लेके चलेंगे महिलाओं का। इस बार जो निर्णय लिया है कि शहर में एक हम शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो जो हमारा विस्तृत कार्यक्रम है, तो सबसे पहले तो हम भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में जो तराटी में स्थित है वहाँ 11 बजे सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को अपराह्न 4 बजे यही मानस भवन में हम सब लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ भगवान की एक बार फिर से पूजा होगी और प्रोसेशन रवाना होगा। तो हमारा जो ये शोभा यात्रा है ये मानस भवन से प्रारंभ होकर शिल्पी प्लाजा होते हुए प्रकाश चौराहा, स्टैचू चौक, साई मंदिर और ये वापस शिल्पी प्लाजा से होते हुए फिर ये मानस भवन में समाप्त होगी। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपने श्री सुदीप कुमार जी श्रीवास्तव, जो जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष हैं, वो होंगे। वो शोभा यात्रा को रवाना करेंगे और पूरे कार्यक्रम के दौरान वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। शोभा यात्रा समापन के बाद एक भजन संध्या का कार्यक्रम इसी मानस भवन में रखा गया है, जिसमें आप सब भी आमंत्रित हैं। शोभा यात्रा समापन के साथ ही हमारे जो कायस्थ कलाकार हैं, जो स्थापित कलाकार हैं, जिनके प्रोग्राम आप लोग और दूसरी जगहों देखते रहते हैं, उनके द्वारा एक मधुर संध्या भजन संध्या का आयोजन किया गया है। तो ये करीब 1.5 घंटे कार्यक्रम चलेगा। इसके बाद सामूहिक भोजन प्रसाद भंडारा, इस तरह से ये हमारा संक्षिप्त कार्यक्रम है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पूजा अर्चना तो अपन करते हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि हम चित्रगुप्त की पूजा केवल होली की द्वीज और दिवाली की द्वीज को करते हैं, और वस्तुतः ये प्रकटोत्सव जैसे कृष्ण जन्म होता है जन्माष्टमी को, भगवान रामचंद्र जी का जन्म राम जन्मी को, उसी तरह से हमारे भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव ये गंगा सप्तमी बैसाख शुक्ल सप्तमी को ये मनाया जाता है। तो अभी हम घर घर में मनाते आ रहे हैं, इस बार हमने सामूहिक आयोजन ये करने का फैसला किया है।
इस बार ये रीवा ज़िले और रीवा शहर की ये पहली शोभा यात्रा होगी। इस शोभा यात्रा में शहर समेत पूरे ज़िले के लगभग 1000 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है, ज़्यादा भी संख्या हो सकती है। ये अभी शुरुआत है और ये हमारा पहला कदम है, पर सही दिशा में उठा एक महत्वपूर्ण कदम है। कई दिनों से ये आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि हम लोगों को भी शोभा यात्रा इस तरह से सामूहिक आयोजन करनी चाहिए। तो इस बार होली मिलन समारोह अपन जब करते हैं तो होली मिलन समारोह में हमारी समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि इस बार वैशाख शुक्ल सप्तमी जो कि कल है, भगवान चित्रगुप्त की शोभा यात्रा निकाली जाए। फिर बाद में तय हुआ कि भाई पहली शोभा यात्रा है और धूप का समय है तो शोभा यात्रा